बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से चटपटी और बहुत ही स्वादिष्ट लगने वाली कचौड़ी। हेलो फ्रेंड्स, आज हम भुट्टे की कचौड़ियां बनाएंगे और जब आप ये कचौड़ी खाएंगे तो यकीन मानिए कि आपका पेट तो भरेगा पर मन नहीं। और फ्रेंड्स, अगर आपको कचौड़ियां बनाने में प्रॉब्लम होती है या कचौड़ियां तलते समय खुल जाती हैं, तो मैं साथ में आपको टिप्स भी बताने वाली हूँ जिससे कचौड़ियां तलते समय कभी नहीं खुलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं भुट्टे की बहुत ही स्वादिष्ट कचौड़ियां बनाना। कचौड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम बाहर की लेयर के लिए आटा लगाकर तैयार करेंगे। तो इसके लिए एक बड़ा बोल लेंगे, इसमें 2 कप मैदा लेंगे, ग्राम में 200 ग्राम मैदा है। अब इसमें 1 छोटे चम्मच या स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, 1/4 कप यानी कि 50 से 60 ml तेल डालेंगे मोइन के लिए। अब सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। नमक और तेल मैदा में अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के बाद इसका टेक्सचर एकदम क्रम्बली हो गया है और ये देखिए मुट्ठी से दबाने पर ये इस तरह से बन जाना चाहिए। तो अब हम आटा में थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसका मीडियम सख्त आटा गूंथ कर तैयार करेंगे। ध्यान रखें कि पानी एकदम से ना डालें, नहीं तो आटा गीला हो जाएगा और फिर कचौड़ी क्रिस्पी नहीं बनेगी। ये देखिए हमने मीडियम सख्त आटा गूंथ लिया है। आटा ना तो ज्यादा सख्त है ना ही ज्यादा गीला। ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी होती है कचौड़ी बनाने के लिए। और इतना आटा लगाने में हमने 1/2 कप पानी लिया था जिसमें से 2 चम्मच पानी बचा है। अब हम आटा को ढककर 1/2 घंटे के लिए एक तरफ रख देंगे जिसमें हमारा डो अच्छे से सेट हो जाए, जब तक हम कचौड़ी के लिए फिलिंग बनाकर तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने 3 भुट्टे लिए हैं और ये नॉर्मल भुट्टे हैं, इसके लिए हमें स्वीट कॉर्न नहीं लेना है। और आप देखेंगे कि भुट्टे एकदम सॉफ्ट हैं, ये देखिए, इसके लिए हार्ड भुट्टे न लें। अब भुट्टे को कद्दूकस कर लेंगे और ये बहुत ही आसानी से कद्दूकस हो जाते हैं। चारों तरफ से घुमा घुमा कर इसे कद्दूकस करना है। ये देखिए इसी तरह से सारे भुट्टे कद्दूकस करेंगे। भुट्टे को कद्दूकस करने के बाद इनको फिलहाल के लिए एक तरफ रख देंगे। आप एक पैन गरम करेंगे, इसमें 2 टेबल स्पून बेसन डालेंगे। आंच बिल्कुल धीमी रखेंगे और बेसन को लगातार चलाते हुए इसे तब तक भूनेंगे जब तक कि इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाए और इसमें से खुशबू आने लगे। बेसन को भूनने के बाद इसे एक अलग प्लेट में रखेंगे। अब फिर से पैन रखेंगे और इसमें 2 बड़े चम्मच यानी कि 30 ml के करीब ऑयल डालेंगे। अब हम तड़के के लिए इसमें डालेंगे 1 चम्मच मोटी सौंफ, 1 चम्मच जीरे, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई और 1 चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक। सभी इंग्रेडिएंट्स को हल्का सा सौते करेंगे, आंच धीमी रखेंगे। अब इसमें जो हमने भुट्टे को पीस कर अलग रखा था वो डाल देंगे, मिक्स करेंगे और भुट्टे की कीस को 5 से 6 मिनट तक भून लेंगे। इसे छोड़ना नहीं है, इसे लगातार मिक्स करते जाना है। 5 मिनट भूनने के बाद इसमें हम सूखे मसाले डालेंगे, 1/2 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटे चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच या स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और अब हमने जो बेसन भून कर रखा था उसे भी डाल देंगे। 1/2 नींबू का रस डालेंगे। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम 1/2 कप यानी कि 100 ml पानी डालेंगे, मिक्स करेंगे और लगातार चलाते हुए फिलिंग को 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि कचौरी की फिलिंग की कंसिस्टेंसी कैसी है। ये ना तो एकदम ड्राई है और ना ही बहुत गीली, और हमें इसी तरह की कंसिस्टेंसी लेनी है। अब गैस बंद करेंगे और फिलिंग को एक प्लेट में निकाल लेंगे। जब ये ठंडी होगी तो ये थोड़ी और ड्राई हो जाएगी। अब हमारा डो भी सेट हो गया है और फिलिंग भी ठंडी हो गई है। डो को मसल कर चिकना कर लेंगे। अब डो को 10 बराबर टुकड़ों में काट लेंगे।
अब एक टुकड़ा लेंगे और इसे दोनों हाथ से मसलते हुए गोल करेंगे। अब अंगूठे की हेल्प से लोई को कटोरी का आकार देंगे इस तरह से। अब इसमें 1.5 से 2 चम्मच फिलिंग रखेंगे और फिलिंग को अंदर की तरफ दबाएंगे। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि कचौरी को कैसे पैक करेंगे कि तलते समय कभी नहीं खुलेंगी। तो इसके लिए एक कटोरी में 1 चम्मच मैदा लेंगे, थोड़ा सा पानी डालकर इसका गाढ़ा घोल तैयार करेंगे, यानी कि हमें मैदा की स्लरी बनानी है। अब जो ये कचौरी का किनारा है इसमें चारों तरफ हम मैदा की स्लरी लगाएंगे। मैदा की स्लरी लगाने से कचौरी का किनारा एक दूसरे से बहुत ही अच्छी तरह से चिपक जाएगा और ये खुलेगा नहीं। अब चारों तरफ से उठाकर इसे इस तरह से पैक करेंगे। पैक करते समय ध्यान रखना है कि चारों तरफ से एक साथ चिपकाएं, जिसमें कि कचौरी में कोई गैप ना रह जाए, नहीं तो इसमें तेल भी भर सकता है। अब दबाकर इसे चपटा करेंगे। ये देखिए बन गई एकदम परफेक्ट कचौरी। अब इसी तरह से सारी कचौरी बनाकर तैयार करेंगे। 10 कचौरी बनाने के बाद हमारी फिलिंग बच गई है, जिससे आप 5 से 6 कचौरी और बना सकते हैं। कचौरी को तलने के लिए तेल मीडियम गरम करेंगे, ना तो बहुत ज्यादा गरम और ना ही ज्यादा ठंडा। अब एक एक करके इसमें 4 से 5 कचौरी डाल देंगे, जितनी कचौरी कढ़ाई में आसानी से आ जाए। अब आंच धीमी रखेंगे और कचौरी को सिकने देंगे। ध्यान रखें कि जब तक ये हल्की सी सिक न जाए इसमें चम्मच नहीं लगाना है, नहीं तो ये फूट जाएंगी। ये देखिए हमारी कचौरी अब हल्की सी सिक गई है। इनको पलट देंगे और आप देख सकते हैं कि अभी हमारी कचौरी नीचे की तरफ से गोल्डन ब्राउन नहीं हुई है, लेकिन इनको थोड़ी थोड़ी देर में पलट पलट कर दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। कचौरी दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो गई है और ये देखिए ये कितनी अच्छी तरह से फूल भी गई है। बस अब इन्हें हम प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से बाकी की कचौरी भी फ्राई करेंगे। कचौरी की प्लेटिंग करेंगे और इमली की चटनी के साथ सर्व करेंगे। तो जल्दी से ट्राई करें ये कचौरी और पाएं ढेर सारी तारीफ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं हमारी अगली रेसिपी के साथ।